वही पीढ़ी को हम दोबारा सूर्य नमस्कार की दिनचर्या में। और इस बीच छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। और यह धमकी दी है टिफिन सेंटर संचालक ने। आपको बता दें कि कोरोना के चलते व्यापार नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से व्यवसायी परेशान था और पूर्व सीएम और सीएम भूपेश बघेल दोनों को जान से मारने की धमकी दी है टिफिन सेंटर संचालक ने। तमाम जानकारी के साथ निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ रही हैं। निधि, जो खबर आ रही है बेहद संवेदनशील है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम व्यापारी व्यवसायी परेशान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, टिफिन सेंटर संचालक ने जान से मारने की धमकी दी है वही मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री को, क्या कुछ खबर इस पूरे मामले में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से एक युवक द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जान से मारने की धमकी दी गई है, काफी बड़ा ये मामला है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल लगातार चल रहा था, लॉकडाउन की प्रक्रिया या किसी भी तरह की प्रक्रिया हम करें, तो व्यापारिक गतिविधियों को इसका सीधा काफी बड़ा असर पड़ा है। इससे कई व्यापारी जो है वो परेशान भी है, लेकिन जिस युवक ने धमकी दी है वो भी एक व्यापारी ही था। टिफिन सेंटर का संचालक था, मनीष ढापक उसका नाम था, और निश्चित तौर पर उसने जो सिविल लाइन सीएसपी है उसे मैसेज बाकायदा भेज कर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम मुख्यमंत्री पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके 506 और 507 धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस तरह की धमकी जो है बाकायदा सीएसपी को मैसेज करके देना, ये एक बड़ी बात है कि इस तरह के दोनों छत्तीसगढ़ के एक सीएम भूपेश बघेल जो वर्तमान मुख्यमंत्री है और एक पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों ही बड़े नागरिक है जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्हें धमकी देना काफी बड़ी बात है। बात यह है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि व्यापारी परेशान था, जिसके चलते आर्थिक व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई थी, यही वजह रही है कि उसने इस तरीके की कृत्य किया, सीएम को धमकी देने का मामला सामने आया है। क्या इससे पहले कोई सूचना दी गई थी कि किसी प्रकार की दिक्कत उससे हो रही है प्रशासन के माध्यम से? क्योंकि जिस प्रकार की खबर है कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है और सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार की दिक्कतें लोगों को हो रही है, क्या इस प्रकार की बड़ी जो कहा जा सकता है कदम उठा सकते हैं लोग? जी बिल्कुल, इस तरह की जो सूचना है पहले नहीं दी गई थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना ही ये उसने किसी फेसबुक या फिर ट्विटर पे पोस्ट किया या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। डायरेक्ट सीएसपी को ही मैसेज करके इस तरह की धमकी देना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो जो व्यापारी है काफी हद तक हताहत होगा, परेशान होगा, क्योंकि व्यापारिक गतिविधि में कोरोना की वजह से शायद उसे इतना ज्यादा घाटा हुआ होगा कि अपनी मानसिक गतिविधि को वो रोक नहीं पाया और सीधे सीएसपी को मैसेज करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ सीधे जान से मारने की धमकी उसने दी। तो काफी बड़ा ये जो कृत्य है वो सामने आया, फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, यदि एक सवाल और, क्या व्यापारी की मनस्थिति को जानने का प्रयास किया गया है? क्योंकि सरकार को सीधे चुनौती देना एक बड़ी खबर है, क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई मनस्थिति को जानने का प्रयास किया गया कि आखिर क्यों इस तरीके का बड़ा कदम उठाया? फिलहाल अगर बात की जाए तो तत्काल रूप से आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इस तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं किस तरह से उसकी मानसिक गतिविधि को जानने का या उससे पूछताछ का प्रयास अब जाके पुलिस करेगी और उसके बाद ही पता लग पाएगा पूछताछ के बाद कि आखिरकार क्या परेशानी थी उसे कि सीधे से इसने भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उसे धमकी दी है और निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी दी है। तो आखिरकार अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आगे की पता साझी करने पर, पूछताछ करने पर ये मामला खुलकर सामने आएगा कि आखिरकार उसने इस तरह का धमकी भरा मैसेज को। चलिए, बहुत शुक्रिया निधि मासा जुड़ने के। तो टिफिन सेंटर संचालक ने जान से मारने की धमकी दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है टिफिन सेंटर संचालक को, जो कि कोरोना के चलते व्यापार नहीं चलने से काफी परेशान था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या क्या वजह रही, ये तमाम जानकारी जो है जुटाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं